हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी कोई एक दिन या आज के जमाने की पैदावार नहीं है बल्कि अगर हम ये देखें कि जब से माशरा वजूद में आया तब से ही सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नज़र आता है और उसके बारे में डिबेट जो है वो भी हमें मुख्तलिफिलासफर्स को ग्रीक टाइम पीरियड पे जैसे अरिस्टोटल की जो तहरीरें हैं वहाँ पर भी हमें नज़र आया कि उसने पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसे सेगमेंट की बात की जो माशरे के अंदर लोगों का जिससे ताल्लुक़ होगा सो वी कैन से सेट पॉलिटिकल कम्युनिटी स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेटर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल सो ग्रीक टाइम पीरियड के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जो है इसने Uh, तहरीरों के जरिए जो है वो हमें इसको हम ट्रेस आउट कर सकते हैं हिस्टोरिकली सो करेक्टराइज बाई अ शेयर सेट ऑफ नॉर्म्स एंड इथोस ट्रडिशनली क्या चीज़ है कि एक शेयर्ड सेट ऑफ नॉर्म्स हैं यानी वो लोग जिनके आपस में कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ होंगी नॉर्म्स होंगी उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रुप जो है और फिर ग्रीक टाइम पीरियड के बाद जो रोमन थिंकर्स थे उन्होंने भी सिविल सोसाइटी को स्टेट का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो है वो डिक्लेयर किया और उन्होंने भी ये कहा कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें के लोगों की बात जो है कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है यानी एक तो वो स्टेट है एक गवर्नमेंट है जहाँ पर बाकायदा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाएगा लेकिन सिविल सोसाइटी जो है ये ऑटोमेटिकली लोगों की मसाइल की रिप्रेजेंटेशन कूमत तक करने वाला एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कंसर्न ये होता है कि लोगों को आवाज़ को किसी तरीके से उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको लुक रुकाफ्टर करने के लिए हकूमत तक वो मुतालबात ऑर्गेनाइज फॉर्म में एग्रीगेट फॉर्म के अंदर कम्युनिकेट किया जा सकें सो द थिंकर्स ऑफ द हिस्ट्री दे नॉर्मली कंसिडर सिविलिटी एज एन

जो मफादा का तहफ़ करेंगे अपनी ख़ास ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे वो इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे प्रेसर ग्रुप्स होंगे बट द सिविल सोसाइटी दे डोंट बॉडर टू रिप्रेजेंट ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द सोसाइटी बट एक्चुअली दे रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम उन्हें प्रॉब्लम से कंसर्न है उन्हें उस इशू से कंसर्न है दे वॉन्ट टू रिप्रजेंट द इशू टूवर्ड्स द एंड टू द गवर्नमेंट सो वी कैन से सेट एज अटर ऑफ डोमेस्टिक और गुड मैनर्स एंड रिकग्निशन दैट लाइफ इज लिव्ड इन डिफरेंट स्पीयर्स दैट हैव देयर ओन इंटरनल लॉजिक अब ये जो सिविल सोसाइटी जिस जिन लोगों पर मुहित होती है उनका बेसिक थीम या उनकी फ़िलासफ़ी क्या है दे वॉन्ट टू रिप्रजेंट देयर होल कम्यूनिटी इन अ पर्टिकुलर वे डैट दे वॉन्ट टू सेटल डाउन द इशूज़ ठीक है उन्हें लोगों से कंसर्न है लोगों के मसाइल से कंसर्न है इस वजह से वो लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं हकूमत तक और रियासत तक पहुँचाने के लिए अब उनका जो कंसर्न है डोमेस्टिक इश्यूज़ के साथ वो क्या है डोमेस्टिक गुड है यानी लोगों की वेल well बीइंग है उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है सो इट सजेस्ट दैट द रूट्स ऑफ द कंटेम्प्ररी इंटरेस्ट इन सिविल सोसाइटी लाइ इन द कनेक्शन ऑफ समेसिडेंट ईस्ट यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स ड्यूरिंग द नाइनटीन एटीज़ that communism's क्राइसिस could ओनली बी अंडरस्टूड as a revolt ऑफ civil सोसाइटी against द स्टेट अब अगर सिविल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट को अंदर अंडरस्टैंड करना हो तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनके अंदर जो मिसाइल आए क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंटेशन लैक कर रही थी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही थी तो वहाँ से जो आवाज़ आई है उसको पूरी दुनिया के जो लोग हैं specifically the liberal yeah, western philosophers they relate the movement specifically in the communist world that how the voices of the people are raised with the help of the civil society towards the world